सो गाइस, वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को तो पता लग चुका होगा कि मेरे से हो चुका एक बहुत बड़ा कांड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे से इतना बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं हूँ भुलक्कड़, लेकिन कभी भी अपने स्कूटी से रिलेटेड या फिर मेरे कैमरा गियर से रिलेटेड ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कुछ भूल चुका हूँ। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो एक रिकॉर्ड बना था स्कूटीज एंड कैमरा गियर से रिलेटेड, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, तो वो रिकॉर्ड अभी फिलहाल टूट चुका है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? एंड अभी क्या हुआ है कि मैं अगरतला से आते हुए मुझे 10 दिन हो चुका है, लेकिन पीछे का जो मेरा टॉप बॉक्स एंड रैक है उसको मैंने अभी तक खोला नहीं है, तो इसलिए मैं अपना जो टॉप बॉक्स का चाबी है वो ढूंढने लगा, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। अभी मतलब इतना ढूंढ लिया, पूरा घर छान मार लिया, हर जगह पर देख लिया, नहीं है। तो अभी फिलहाल एक सोल्यूशन निकाला है मैंने इस चीज। तो सोल्यूशन क्या है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे जाके। एंड पिछले कुछ दिनों से इतना ज्यादा गर्मी दे रहा है कि घर से निकलना मतलब इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल हो चुका है। फिर भी अभी काम है, जाना तो पड़ेगा, गलती तो मैंने कर लिया है, कुछ करने को तो है नहीं। तो अभी जाता हूँ और मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आप लोगों से मिलता हूँ और बाकी बातें करते मोटो व्लॉग पे, लेट्स गो। तो फिलहाल गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर से एंड वेलकम ऑल टू द मोटो व्लॉगिंग सेटअप। इतने दिनों तक जो मैं अपना त्रिपुरा राइड का जो सीरीज है वहाँ का एक एक एपिसोड में अपलोड कर रहा था, एंड लास्ट वाला एपिसोड मैंने जानबूझ के अपलोड नहीं किया जो था अगरतला टू सिलचर का, क्योंकि एक ही रोड है, एक जिस रोड से मैं गया था उसी रोड से मैं आया था, सो वो दिखा के मैं क्या करूँ। सो इसलिए भी आप लोगों के आई बटन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जो कि है सिलचर से लेके अगरतला तक, आप लोग वो व्लॉग जरूर देखो और बताना आप लोगों को कैसा लगता है जो कांड मेरे से हुआ था टॉप बॉक्स को लेके। एंड चाबी भी तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ फाटक बाजार, हम लोगों के सिलचर के सबसे बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट बाजार पे। वहाँ पर जाके मैं बनाने वाला हूँ अपने टॉप बॉक्स का एक डुप्लीकेट चाबी। एंड मैंने तो अपना चैनल का आज इंट्रो ही नहीं दिया, सो हेलो ऑसम पीपल, हियर सोर्स अभिलाष, तो बताइए क्या हाल चाल, वेलकम यू ऑल टू वेरी फ्रेश न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। गर्मी देख रहे हो गाइज, आसमान देखो, चेकआउट करो, ओ भाई इतना ज़्यादा गर्मी देखा है ना सिलचर पे। एंड मेरा एक बहुत ही गंदा हैबिट है, वो है मैं स्लीव्स वगैरह बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करता हूँ, इसकी वजह से मेरा जो हाथ में है ना वो पूरा फुल्ली टैन हो चुका है। उसके बाद और एक चीज़ मुझे ठीक करवाना है, वो है मेरा वो जो साइड का जो ये गार्ड है ना, हैंड गार्ड, ये भी मतलब इसका जो स्क्रू है वो ढीला हो चुका है। आप लोगों ने अगरतला के व्लॉग्स में नोटिस किया होगा, तो इसको भी ठीक करवाना है। एंड आज बहुत ही मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि ये वाला जो रोड है ना, यहाँ पर दिन में इतना ज़्यादा जाम रहता है, इतना ज़्यादा जाम रहता है कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। एंड फिर भी मैंने इस रोड पर आने का रिस्क लिया, एंड रिस्क लेना अच्छा साबित हुआ। चाबी की दुकान पर जाता हूँ एंड वहाँ पर जाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, लेट्स गो। तो फाटक बाजार के इन पतले गलियों पर आप लोगों का स्वागत है, और अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद था एक दुकान है यहाँ पर, लेकिन एट प्रेजेंट थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ। इन पतली गलियों पे चलाना और एक बहुत ही बड़ा टास्क है भैया, चंदा नहीं तो फाइनली दुकान पर आ चुका हूँ। सो अभी चाबी बनवा लेते हैं। अभी चाबी जब बन ही चुका है तो अभी मैं जाऊंगा जिद्दा के दुकान पे, एंड वहां पर जाने के बाद इसका नट कहाँ मिलेगा उसका भी खबर ले लेंगे। एंड उसके बाद मैं जाने वाला हूँ कठाल रोड पे, एंड कठाल रोड पे क्यों जाने वाला हो वो भी एक बहुत ही मज़ेदार रीज़न है, वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द जानने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक काम करवाने वाला हूँ मेरे स्कूटी पे। तब इतना बड़ा जब काम करवाऊँगा तो अच्छी तरीके से खबर वगैरह लेके ही तो काम पे हाथ देना पड़ेगा। वो सिलचर में अभी तक किसी एंट्रॉक पे ये काम नहीं हुआ है, मतलब जो काम मैं करवाऊँगा सिलचर पे फर्स्ट टाइम किसी एंट्रॉक पे होने वाला है। अभी आप लोग कॉमेंट में बताओ, मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आइदर रात के 8:30 बजे या फिर सुबह के 9:30 बजे। जिस टाइम पे ज़्यादा कमेंट्स आएगा, जिस टाइम पे ज़्यादा लोग बोलेंगे कि नहीं भैया आप इस टाइम पे छोड़ो, तब जाके मैं उसी टाइम पे व्लॉग छोड़ूंगा। सो अभी मैं यहाँ पर आया था जिद्दा के दुकान पे, लेकिन यहाँ पर मुझे दो भाई मिल चुके हैं, मेरे जान पहचान के भाई है, आप लोग भी देख के पहचान जाओगे कौन है। देखते हो हर वीडियो देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली ये मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका नाम बता दो। रजत रॉय। रजत रॉय, उनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है रॉय ब्लॉग सिलचर बोल के, यही अपाचे मैंने थोड़ी देर पहले चलाया है। एंड इसको इग्नोर मारो, इसको तो छपरी है, हम लोगों के गैंग के छपरी।
सो वो अभी भी अपना स्कूटी ठीक करवा रहा है, लास्ट में 6 महीने से सुन रहा हूँ। ये खराब स्कूटी लगी है, तमाम राइड करने वो भी क्या बोलते हैं, पूरा इंजन वगैरह खोल के बस आगे और पीछे का पहिया जाएगा, पीछे दौड़ दौड़ के जाएगा। अभी इसका स्कूटी का हालत इसकी तरह ही है कि इस घर से रामनगर तक जाने में इसका इंजन भी खोल के चलाया जाएगा। इंजन ऑलरेडी खुला है, घर से भी नहीं निकल। ओहो हो, ये है मतलब असली छपरी का सिम्टम। और अगर छपरी के साथ रहूंगा तो फिर साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। बहुत दिख रहा है, एस्केप योरसेल्फ। देखो मेरे गंजी पे भी लिखा हुआ है एस्केप योरसेल्फ, मतलब एस्केप फ्रॉम हिम। तो अभी बहुत अभी तक अभी दिख चुका है। तो अभी थोड़ा गपशप मारते हैं, एंड यहाँ पर मेरा टॉप बॉक्स अभी खुलवाने आया हूँ, तो थोड़ा गपशप मारने के बाद खुलवा के उसके बाद जाऊंगा घर। और एक मजेदार चीज आप लोगों को दिखाओ, मुझे किस चीज का चाबी मिला है ये टॉप बॉक्स खोलने के लिए, लेट मी शो यू गाइस। ये देखो हीरो का चाबी मिला है स्टड्स का टॉप बॉक्स खोलने के लिए। अभी अगर कोई सोचते हो कि मेरे स्कूटी का टॉप बॉक्स आप लोग चोरी करना चाहते हो, कर सकते हो, डुप्लीकेट चाबी आसानी से बना सकते हो। सिनेमेटिक्स में देख भी लिया आप लोगों ने कि कैसे डुप्लीकेट चाबी बनाया जाता है। नहीं आज जो व्लॉग बना रहा हूँ आज ही मैंने दिखाया ये वाला, ये सब मैं घर जाके देख के ये सब जुगाड़ बस अभिलाष दा की चैनल पे मिलेगा। टूटा फूटा जुगाड़। तो भाई जुगाड़ से ही जिंदगी चलता है, और वो भी भारतीय है हम, जुगाड़ तो चले गए, जुगाड़ तो जुगाड़, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ नहीं है। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर गपशप चलता है एंड बॉक्स खोल लेता हूँ, उसके बाद घर जाने के बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खजाना है गाइस, देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब छपरी के साथ रहने से क्या साइड इफेक्ट होता है, व्लॉग ही तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। क्या करें, हालत से मजबूर। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पर गप्पेबाजी चलता है, उसके बाद इसी बहाने से अभिलाष भैया का चश्मा भी। सो गाइज यहाँ पर मेरा जो टॉप बॉक्स है वो खुल चुका है, एंड इसको अभी ले जाने का जो कार्यक्रम है वो करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में बहुत टफ है ले जाने में, तो अभी यहाँ से चलते हैं, सब काम वगैरह तो हो ही चुका है। यही था आज का व्लॉग, कुछ ऐसा इतना भी खास वगैरह कुछ नहीं था। तो अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा फॉर व्हाटएवर रीजन, देन इस व्लॉग को कर देना लाइक और शेयर करना, और वीडियोस को रेगुलर देखा करो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन से टाइम पे मुझे व्लॉग छोड़ना चाहिए, आइदर मॉर्निंग या फिर नाइट को। अगर मॉर्निंग हुआ तो देन मैं 9:30 या फिर 10 बजे छोड़ूंगा व्लॉग, एंड अगर रात को हुआ तो मैं 8:30 बजे को ही व्लॉग छोड़ूंगा। मिलते हैं और एक किसी तगड़े व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।